चाहिए, ठीक है, वृक्ष नहीं अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, वृक्ष नहीं अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, वृक्ष नहीं अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। मैं रविंद्र बहादुर सिंह सोनभद्र जिला अध्यक्ष व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आप सभी को सादर नमन मैं करता हूँ। लखनऊ के धरती पर प्रदेश के सभी समस्त जिला के जिलाध्यक्ष व निदेशक साथियों, आप सभी का लखनऊ के सरजमीं पे मैं स्वागत करता हूँ संगठन की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग धरना में आए हुए हैं वो सभी लोग धरना स्थल पर ही बने रहे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे चेहरा दिखा करके पार्क में घूमने चल जाएं कहीं, ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों हम लोग संख्या बल दिखाने के लिए आए हैं, अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, क्योंकि घूमने के लिए आए हैं हम लोग, घूमने के लिए आए हैं साथियों। तो हम सभी लोग ईमानदारी से अपने संघर्ष, अपने मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठेंगे, चाहे जो हो जाए। और मैं यहाँ पे साथियों से मैं निवेदन करूंगा, जो लोग खड़े हैं वो सभी लोग चटाई पर बैठ जाए यहाँ पे, ताकि जो हम जिस उद्देश्य से अपने जिले को, अपने घर को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, वो मुहिम हम लोग प्राप्त करके जाए, क्योंकि आपके साथ ही आपके जिले में जिनसे आप बहस करके आए हैं चलने के लिए यहाँ पे, वो कहेंगे देखो यार मैं तो कहा था ना कि कुछ नहीं होगा, वापस लौटाओगे। ये सुनना ना पड़े, आप उनको कड़ी से कड़ी जो है एक बार बोलकर जाएंगे, वहां पे जाएंगे तो सफलता लेकर जाएंगे, और सफलता तभी मिलेगी जब आप संघर्ष करेंगे। इसी कड़ी में सोनभद्र से हमारे साथी खासकर महिलाओं को मैं धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पे हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ, हमारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप लोग आए। मैं और प्रदेश के सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और इसी कड़ी में धरना में जितने लोग आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि अगर अवकाश अपने अपने ग्रुप में जाने की अवकाश जो धरना पे नहीं भाई, सबसे पहले तो हम आग्रह करेंगे जो भी साथी जहाँ पर हैं, कम से कम एक शांतिपूर्ण वातावरण में, और इतनी बड़ी जो ताकत पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आई है, उस ताकत का सार्थक कम से कम जो संदेश है वो उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में जाए, उसके लिए आपकी देखकर हम प्रणाम करते हैं। एक बार सबसे पहले जोर से बोलिएगा हाथ उठा करके, बार बार अपील की जा रही है विक्रम भैया के द्वारा कि नहीं सभी लोग अपना स्थान ले लें। साथियों आज के इस धरने में जैसा कि विक्रम भाई ने बताया, मंच पर हमारे साथ हम सबके मार्गदर्शक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता रमन मैक्स पुरस्कार विजेता प्रोफेसर संदीप पांडे जी आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। साथियों आपकी लड़ाई कोई नई नहीं है, और ये धरना आज का नया नहीं है, ये धरना और ये विरोधी सरकार के खिलाफ कई वर्षों से जारी है, और प्रश्न यही है कि ये सरकार सुनती क्यों नहीं है, ये सरकार झूंगी अंधी बहरी जो सरकार है जिसके कानों में झूं क्यों नहीं रेंगता कि 300 रुपए में जो समाज को आईना दिखाता है, जो समाज को रास्ता दिखाता है, वो शिक्षक की बदहाली की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका प्रश्न है, इस सरकार की आंखों में मोतिया बिंदु हो गया है, और मोतिया बिंदु जब हो जाता है तो मोतिया बिंदु खुद से ठीक नहीं किया जाता, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वो ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो वो ऑपरेशन वो डॉक्टर कौन है, वो आप और त्रिवेणी तादाद में। लेकिन
ये तादाद तभी रंग लाएगी जब इस सरकार को ऑपरेशन करने के लिए हम लोग उतारू होंगे। हर बार एक में एक आश्वासन होता है और आपको झूठी एक दिलासा दी जाती है कि आपका वेतन मानदेय जो बढ़ाया जाएगा, आपका निमितीकरण किया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये विकास का ढोल पीटने वाली सरकार। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, एक कहावत है, बाप मर गए अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, बाप मर गए अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, यही हाल है। जनता मर रही अंधेरे में माई बाप, और ये सरकार अपने आप को विकास पूर्व बताती है, अपने पावर हाउस बताती है। पूरे लखनऊ में आप देखेंगे प्रदेश के मार बैरों को सुन रही है, सरकार विकास के वादों से पटी हुई है। जब इतने विकास हो रहे हैं, इतनी रोजगार दे रहे हैं, तो ये पूरा इको गार्डन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आपको इस तरह धरने पर असर नहीं मिलेंगे। पूरे प्रदेश की जनता यहाँ पर आकर के जो नौजवान है घूम रहा है, साथियों ये लड़ाई आय और न्याय की है। और सुनिश्चित ऐसे भी नहीं है कि आपकी संविधान नाम का जो शोषण, जो श्राप जो नौजवानों के लिए प्रदेश में लागू है, वो संविधान नाम का श्राप जब तक खत्म नहीं होगा, ये इस तरह का अत्याचार जारी रहेगा। और इस संविधान नाम के श्राप को खत्म करना भी बहुत जरूरी है, और शोषण की प्रथा को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं आपकी लड़ाई में मैं युवा शक्ति संगठन की तरफ से हमारे और भी साथी हैं, हम लोग पूरी तरह से आपकी इस लड़ाई को साथ देते हैं। और ये जो कहना चाहेंगे, इस सरकार को एक गाना आया है और क्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है, पूजन होने वाला है, हमारे राम आएंगे, ये बात सही है, वहाँ राम आएंगे, लेकिन रावण भी जाएंगे। और रावण को ये कहने की जरूरत नहीं है। कवरेज न्यूज है, उसके पैनल में हम भी आए थे, विक्रम सिंह जी के साथ में आए थे। ये सरकार सरकारी नौकरी की स्थिति देश में, मैं बता दूंगा आपको, हमारे देश में सरकारी नौकरी का जो आंकड़ा है 1000 नागरिकों पे मात्र 16 का आंकड़ा है। अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश जो हमसे विकसित है, दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र है, उसके पास सारी तकनीक है, फिर भी वो मानव श्रम को सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देता है। वहाँ पे 1000 नागरिकों पे 69 सरकारी नौकरी है, 59, और हमारे देश में मात्र 16, और वो भी 5 साल पुराना आंकड़ा है। ये आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी जानता है कि सरकारी नौकरी की जरूरत क्यों है, इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए कितनी जरूरत है। और एक हमारी सरकार है, ये सब कुछ खत्म करते जा रही है, डबल इंजन की सरकार है, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास हो रहा है, ये बात सही है, डबल इंजन इनकी सरकार है, लेकिन इनके उनके डबल इंजन में विजय माल्या मोदी जितने विदेश भाग रहे हैं, जनता नहीं भाग रही है, जनता को इन्होंने मालगाड़ी में छोड़ रखा है। आप पढ़े रहो मैं, और डबल इंजन में हम बैंकों से बड़े बड़े कर्ज करके इनको विदेश भेज देंगे। ये चल रहा है, ये सरकार की नीति है, ये राम मंदिर हमारा बन रहा है, भगवान राम से मनाता हूँ, क्योंकि ये जो रावण रूपी सरकार है, ये चेत जाए। और हमारे नौजवानों के साथ, चाहे निदेशक हो, चाहे तमाम संविदा कर्मी हो, अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे, उनको नियमितीकरण किया जाए। और जो भी रिक्त पद है, उत्तर प्रदेश में 6 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है, वो भरने का नाम नहीं है। केंद्र सरकार में 9.5 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उसको भरने का नाम नहीं है। ये सरकार सिर्फ एक झूठों की सरकार है, और मुझे भरोसा है विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में सभी साथियों के, चूंकि मैं नाम नहीं जानता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोग आए हैं, आपकी ताकत है, इस सरकार को देखना पड़ेगा, आपकी समस्या को सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनती है तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, यहाँ नारा लगा लीजिए, जोर भर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब चुनाव आता है, वहाँ बटन दबाने जाते हैं, तो वहाँ भावनाओं से बटन मत दबाइएगा, ये जरूर देखिएगा कि किस सरकार ने कितनी तकलीफ कितनी पीड़ा दी है आपको, जब मौका दबा दीजिएगा, आप किसी पार्टी में नहीं है तो, लेकिन अगर ये सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, तो विरोध कम से कम वोटों में भी करना जरूरी है। हम विरोध सड़कों पर तो करते ही नहीं, वोटों में कहीं ना कहीं कमल खिल रहा है, तो उस कमल को फिर से उखाड़ना पड़ेगा, तब ये कमल चेतेगा, और एक कमल रूपी सरकार, गांधी रूपी सरकार चेतेगी। जय हिंद, जय भारत।